नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में 19 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, फेसबुक और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइए, हम यहाँ पर रोजाना महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और क्लास से जुड़े नोट्स और PDF आपको इंस्टा मोजर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर जाकर उसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम अनअकैडमी पर भी पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस एप्लीकेशन में आप सीधे अजय साहू टाइप करके हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम कल का सवाल देख लेते हैं। कल वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो दोस्तों, कल का सवाल था, भारत ने इंडोनेशिया में हुए 2018 एशियन पैरा गेम्स में कितने पदक जो है जीतकर इतिहास रखा है। तो टूर्नामेंट में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ये रहा है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 72। 72 पदक भारत ने इस गेम में जीता, और ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, और आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। तो इसी तरह पूरा वीडियो लास्ट तक देखा कर वीडियो के अंत में जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए। चलिए, इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, इस बार टोटल 72 पदक जीत कर इतिहास रचा है, और इसमें से जो है 15 स्वर्ण पदक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, 24 रजक और 33 कांस्य। तो कम से कम स्वर्ण पदक जो है याद रखना है, क्योंकि स्वर्ण पदक पूछे जा सकते हैं। और ये गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और यहाँ पे अभी एशियन गेम्स का आयोजन भी यहीं पे किया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM स्थापित किया गया। तो दोस्तों, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM कहाँ पर स्थापित किया गया, बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु भी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर स्थापित किया गया है। बेंगलुरु के कैंप फोर्ट मॉल में वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज यूनिकॉइन द्वारा क्रिप्टो करेंसी के लिए धन जमा करने और निकालने के लिए एक ATM स्थापित किया है। तो इसे आपको याद रखना है, उपयोगकर्ता अपने पंजीकृत नंबरों पर प्राप्त OTP का उपयोग करके बिटकॉइन और एथेरियम जैसे मुद्राओं को खरीदने के लिए धन जमा कर सकते हैं। तो ये है क्रिप्टो करेंसी ATM, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, बेंगलोर में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और बेंगलोर क्या है, कर्नाटक की राजधानी। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी कर्नाटक में है, कोनार तट, और यहाँ के जो क्लासिकल डांस है वो कौन कौन सा है, ये क्लासिकल डांस नहीं है एक्चुअल में, यहाँ के नृत्य हैं। ठीक है, यक्षगान और कोट्टायम। तो कर्नाटक के जो फेमस नृत्य है वो है यक्षगान और कोट्टायम, और यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, जिसकी स्थापना 1973-74 में की गई थी कर्नाटक में, ये है। और यहाँ की मतलब कर्नाटक की पहाड़ियाँ हैं कुद्रेमुख, और यहाँ पे मिलता है लौह अयस्क, तो ये काफ़ी फेमस है। और महाराष्ट्र से कर्नाटक तक की पश्चिम घाट को, मतलब इस एरिया को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में है, जो कि शरावती नदी पर है, और इसकी हाइट कितना है, 225 मीटर। ठीक है, नदियाँ कौन कौन सी, कावेरी और तुंगभद्रा, और कावेरी में है शिव समुद्रम जलप्रपात, और इसरो का मुख्यालय भी है कर्नाटक में, बेंगलोर में। तो इतनी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हमेशा रिविजन करते रहते हैं ताकि हमको ये चीज़ याद हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में कनाडा मनोरंजन के लिए गांजा वैध करने वाले किस देश के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया। देखिए, हाल में ही कनाडा में गांजा जो है वैध हो गया, गांजे का जो है आपको वृक्ष जो है, पेड़ जो है लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा देश जो है गांजा को वैध किया था। तो देखिए, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, उरुग्वे में ये हुआ था। उरुग्वे के बाद कनाडा जो है दूसरे नंबर पर गांजा को वैध करने वाला देश बन गया है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। कनाडा मनोरंजन के लिए गांजा वैध करने वाला उरुग्वे के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इस कानून के तहत एक वयस्क सार्वजनिक जगह पर अपने साथ 30 ग्राम गांजा रख सकता है, और इससे ज़्यादा रखने पर उसे 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो एक फिक्स किया गया है कितना ग्राम, 30 ग्राम गांजा वो रख सकता है, और वयस्क होना चाहिए, मतलब 18 साल की आयु का वो होना चाहिए। कनाडाई अब अपने घर में 4 पौधे तक लगा सकते हैं, और व्यक्तिगत उपयोग के लिए 30 ग्राम सूखे कैनाबिस, इसको इंग्लिश में हम कैनाबिस कहते हैं, तो इसको जो है रख सकता है। कैनाबिस रखना कनाडा में पहले 1923 में एक अपराध बन गया था, लेकिन 2001 में
चिकित्सा उपयोग के लिए इसे वैध बनाया गया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और इसकी जो मुद्रा है वो कैनेडियन डॉलर है। चलिए एक बार देख लेते हैं कनाडा और उरुग्वे कहाँ पे। देखिए यहाँ पे अफ्रीकन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, और उरुग्वे दिख रहा होगा, तो ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, तो यहाँ पे है उरुग्वे और यहाँ पे कनाडा है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो देश में इस तरह का पहला स्टेशन होगा, तो कहाँ पे बनाया जाएगा ये? हिमाचल प्रदेश में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो देश में इस तरह का पहला स्टेशन होगा। अब जो चीज़ भी पहला होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के केलोंग में बनने वाला यह स्टेशन समुद्र तल से 3,000 मीटर नीचे होगा, तो समुद्र तल से 3,000 जो है मीटर नीचे ये होगा। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। इसके सीएम है जयराम ठाकुर। कुल्लू मनाली एक जो है हिल स्टेशन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और बायोस्फीयर कौन कौन सा है? कोल डिजर्ट जिसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान सिकरी देवी हिमाचल में है, कौन कौन सा दर्रा है? रोहतांग, बड़ा लाचा, शिपकिला। ये सारी चीज़ें हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं? रावी, चिनाब और सतलज। और रावी नदी जो है किस दर्रा से होकर निकलती है? रोहतांग से। चिनाब निकलता है बड़ा लाचा से और सिपकिला निकलता है सतलज से। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, इस तरह से चीज़ें जो है भी पूछी जाती हैं। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाघर कहा जा कहते हैं, तो जो हिमालय है वो वृहद हिमालय, मध्यम हिमालय, लघु हिमालय, इस तरह से जो है बटा हुआ है, तो जो लघु हिमालय है उसे हिमालय हिमाचल प्रदेश में धौलाघर नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले बड़े मानव रहित परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो विश्व के सबसे बड़े मानव रहित परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण कौन सा देश किया है? याद रखिएगा, चीन ने ये किया है। तो चलिए इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। चीन ने विश्व के सबसे बड़े मानव रहित परिवहन ड्रोन का 16 अक्टूबर को सफल परीक्षण किया है जो 1.5 टन का भार उठा सकता है, और इसका नाम आपको याद रखना है, तो इसका नाम है फियोंग 98। ये है फियोंग 98, तो आपको इसका नाम याद रखना है और ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लेते हैं इसका रेंज क्या है, कितने ऊंचाई पर उड़ सकती है। तो यह ड्रोन 4,500 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकती है और इसकी जो गति होगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर पर आवर जो है इसका स्पीड है। इसकी उड़ान अधिकतम 1200 किलोमीटर की है। अब चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, और यहाँ की राजधानी है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन कहाँ पे है? चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये जो पूरा एरिया है वो है चीन, तो इसे आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न है। हाल ही में 12वां एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है ये, तो यहाँ पे शुरू हुआ है 12वां एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन। 12वां एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में शुरू हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 12वें एशिया यूरोप मीटिंग, जिसे एसएम के नाम से भी जाना जाता है, इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम पहुँचे। श्री नायडू 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष एसएम शिखर सम्मेलन का विषय, ये थीम आपको याद रखना है, ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। तो ये है ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस इस वर्ष का थीम। 2018 के लिए एसएम का एजेंडा कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, प्रवासन, समुद्री सुरक्षा और साइबर स्पेस से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देना है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? सिटी ऑफ ब्रसेल्स, और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है, तो बेल्जियम के बारे में इसको याद रखना है। और बेल्जियम देखिए यहाँ पे बेल्जियम आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में मुजफ्फरपुर के किस फल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किस फल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मुजफ्फरपुर कहाँ पे? बिहार में, ठीक है, तो बिहार के किस फल को जीआई टैग प्राप्त हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाही लीची। अब ये जीआई टैग क्या होता है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा।
पहले इसके बारे में हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार की शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त हो गया है। शाही लीची को 2 साल के प्रयास के बाद भारत सरकार ने जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दे दिया है। अब शाही लीची मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय व पूर्वी चंपारण का उत्पाद के नाम से जाना जाएगा। शाही लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार के नाम से प्रमाणित किया गया है। अब जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भौगोलिक संकेतक किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है। जीआई टैग उसी उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है और इसमें कुछ विशेष गुण रहता है। ठीक है, इसके बारे में भी और देख लेते हैं। इसमें उत्पाद की विशेषताओं का उस स्थान से जो है गहरा संबंध रहता है, तो वो सिर्फ उसी एरिया में पाया जाता है, कुछ स्पेसिफिक गुण उसमें रहता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जिसे हम कहते हैं मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है। सारी चीज़ों को नहीं दिया जाता, कुछ लिमिटेड चीज़ ही होती हैं। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद 2004 में दार्जिलिंग की चाय थी। और भारत में अब तक कुल 325 उत्पाद हैं जो जीआई टैग प्राप्त करता है। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को भी हाल में ही भौगोलिक संकेतक के रूप में जीआई टैग दिया गया, तो इसको भी हम कुछ दिन पहले ही पढ़े थे, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम, तो इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हृदयनाथ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो ये इसे अभी नामित किया गया, किसे नामित किया गया? ऑप्शन ए मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, तो इसे आप याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हृदयनाथ पुरस्कार के लिए इसे नामित किया गया है। तो ये हैं, खयाम नाम से भी इसे जाना जाता है। खयाम के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीत निर्देशक मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी को इस वर्ष के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हृदयनाथ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हृदयनाथ जो है हरियेश कला द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह शामिल है और इन्हें जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इन्हें जो है देवेंद्र फडणवीस द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। हाल ही में कब सरकार ने स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान शुरू किया? तो देखिए दोस्तों, ये जो है स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान शुरू कब हुआ है? ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को ये शुरू हुआ है। और 16 अक्टूबर को क्या था? विश्व खाद्य दिवस। तो सरकार ने विश्व खाद्य दिवस पर एक राष्ट्रीय अभियान स्वस्थ भारत यात्रा तो ये शुरू किया है। और इसके तहत इसके अंतर्गत जो सुरक्षित भोजन खाने और स्वस्थ रहने के विषय में जो है संवेदनशील बनाने के लिए एक अखिल भारतीय साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा और मानसिक प्राधिकरण इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें लगभग 18,000 किलोमीटर रिले साइकिल रैली में लगभग 7,500 साइकिल चालकों ने भाग लेने की उम्मीद है। इस रैली में यह रैली 100 दिन में लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से गुजरेगी और एक शक्तिशाली इट राइट इंडिया संदेश को फैलाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर, तो ये है इसका पूरा नाम, महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर नामक पुस्तक का अनावरण अभी हाल में हुआ है। आपको इसके राइटर के बारे में बताना है कि इसके जो है लेखिका कौन है। तो दोस्तों, इसके लेखिका कौन है? रीमा हुजा है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर इस पुस्तक के लेखिका, तो इसे आपको याद रखना है। और पुस्तक जो है महाराजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के जीवन का वर्णन करते हुए और हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई का भी व्याख्यान इस पुस्तक में किया जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार किसने जीता है, आपको याद रखना है, सुहेल टंडन ने ये पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार सुहेल टंडन ने जीत लिया है। सामाजिक उद्यमी सुहेल एफ टंडन ने खेल के विकास में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खेल और सक्रिय सोसाइटी आयोग का अनुदान पुरस्कार जीते हैं। सुहेल
प्रो स्पोर्ट डेवलपमेंट के संस्थापक और मार्था फेरेल फाउंडेशन के कार्यकारी निर्देशक भी हैं। तो ये हैं सुहेल टंडन जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचार हम देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का निधन हो गया है, इसे आप याद रखिएगा। युवा ओलंपिक खेल 2018 में आकाश मलिक ने तीरंदाजी में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। तो पहला पदक तीरंदाजी में कौन जीता है, याद रखिएगा आप, आकाश मलिक। नीति आयोग ने 17 अक्टूबर को गैर संचारी मतलब जैसे हृदय रोग हो गया, कैंसर और फेफड़ा रोग जो ये सब होते हैं, गैर संचारी रोगों के उपचार के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी के लिए दिशा निर्देशों के साथ ही आदर्श छूटग्राही अनुबंध का मॉडल भी जारी कर दिया है। इसके जरिए दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में जिला अस्पतालों में गैर संचारी रोगों से संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उपचार की पूरक व्यवस्था की जाएगी। तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने ट्रेडमार्क ओनीर के तहत एक अभिनव प्रौद्योगिकी पेयजल कीटाणुनाशक जो है कीटाणु शोधक प्रणाली जो है विकसित किया है। तो एक पेयजल कीटाणु शोधक प्रणाली और ये बहुत सस्ता में बहुत कम दाम में ये जो है पेयजल को साफ कर देता है और इसका आपको नाम याद रखना है ओनीर, ठीक है। तो नाम पूछा जा सकता है, ओनीर नाम का ये है। नेपाल में राजशाही व्यवस्था खत्म होने के 10 साल बाद सरकार ने राजमुकुट, राजदंड और राजतलवार को सार्वजनिक कर दिया है। सरकार ने बताया कि इस राजमुकुट में 700 हीरे, 2000 से ज़्यादा मोती, रूबी और बहुमूल्य पत्थर लगे हुए हैं। तो इसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है। कहाँ पे? नेपाल में। चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित अखबार द ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चीनी सुपरसोनिक मिसाइल HD-1 खरीद सकता है, जिसे भारत और रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से बेहतर बताया जा रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो ये है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए निम्नलिखित में से किसे शुभंकर बनाया गया है। तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो प्लीज़ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।